सारे ते हैं उते चोर। तुसी फिर सानू कहंदे हो मौलवी साहब यार आप हैं शरीफ लोग, मौलवी साहब असी मंदे हाँ तुसी हो शरीफ लोग, लेकिन यार ये सियासत शरीफा का काम नहीं, ऐ बदमाशा का काम है, ऐ चोरों का काम है। मैं कि शुक्र है हक ते बोलते हो, सानू शरीफ भी मनते हो, उन्होंने चोर भी मनते हो, फिर चोरों को वोट दे के रोंदे हो, या अल्लाह हुक्मराना तो तुम्हारा समा क्यों नहीं आता भी जो बोगे जमीन जमीन दे अंदर अगर ऐसी वो की कहने उन्होंने अगर प्याज का बीज बोइए तो जमीन के अंदर टमाटर निकल सकते हैं कभी भी नहीं होएगा भी जो बोगे निकले गए तुम जो तब्दीली वेखना चाहता सी वेख नहीं ली फिर तीन साल जो उन्हें सारी तब्दीली काट के रख दी है बस करो हजूर के दरवाजे तो इलावा दरवाज़ा कोई भी नहीं है। हाँ ये अज तुम पता है ये जड़े सारे कह रहे हैं तो हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला नू सहाबी रसूल सन ना उन्होंने हज़रत उमर फारूक ने गवर्नर बनाया तो गवर्नर बने तो हज़रत उमर फारूक ने जड़े जड़े हुक्मरान सन ना उन्होंने पाबंदियां लाइया कि हुक्मरान जड़े गवर्नर होंगे गवर्नर वो छणा हो या अट्टा नहीं खाणगे वो सोने घोड़े होते तुर्की घोड़े होते भी नहीं बैणगे तो गवर्नर नू अगर कोई कौम तोहफे देगी जिमें इन्हों दिते घड़ियाँ दिते सोने के तलवार दतियां तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक ने कहा अगर कौम तोहफे देगी तो वह कौम का माल है बैतुल माल है जमा कराएंगे गवर्नर अपने घर नहीं ले जाएंगे जेबें भी नहीं पाएंगे। हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला ने ना आपनों तोहफा किसी ने दिता आपने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों वास्ते एक दलील बनाई कि उन्होंने पता लग जाए कि वाकई अगर सहाबा भी इंज करन तो उन्होंने पुछगछ होएगी सानू सिखाण वास्ते किया वड्डे पाक लोग सन उन्होंने शान सुभान अल्लाह वो साढ़े सिखाण वास्ते सी। हज़रत अबू मूसा आशरी ने किसी ने तोहफा दिता आपने अपने को रख लिया एक खबर हज़रत उमर तक पहुंची शिकायत लग गई भी अबू मूसा आशरी ने कौम का माल जो तोहफे सन बैतुल माल देना सी उन्होंने दिता नहीं अपने को रख लिया। हज़रत उमर फारूक ने उन्होंने बुलवा लिया व बुलवा के उन्होंने कहा भी ये तोहफे कौम दे सन दे तैं अपने कोल क्यों रख लैन ते हज़रत अबू मूसा आशरी ने फरमाया जनाब ये लोगों ने मैनू दिते किनू दिते मैनू खुद नू दिते भी इस वजह तोहफा तो मेरा है मैनू जो दिता जिमें वो कारण भी घड़ी तो सानू मिली है असी वेच के खाइए जो करिए भी साड़ी मर्जी एवें साहबे रसूल ने क़यामत तक साढ़े वास्ते मीनारे नूर गल है। हज़रत उमर फारूक किनू ठप्पा लवा के ना साढ़े वास्ते मीनारे नूर बना दी। हज़रत अबू मूसा आशरी ने फरमाया वो लोग तोहफा मैनू देने हज़रत उमर फारूक ने फरमाया तानू नहीं देंदे ये तोड़े ओहदे नू देने तानू नहीं देंदे किनू देने ओहदे नू देने तुसी गवर्नर हो ता देने। आपने हज़रत अबू मूसा आशरी सहाबी रसूल गवर्नर सन उन्होंने कपड़े लवा लए तो उन्होंने टाट का लिबास पवा दिता की किया टाट का लिबास पवा दिता टाट का लिबास पवा के तीन चार सौ बकरियां दे के क्या जाओ हुण जंगल जाके चराओ की किया जाके चराओ इन्हों। फिर उन्होंने कहा भी एक दो गल्लां विच रह ही ना जान भई कोई कहे कि जनाब असी तो गवर्नर सी हुण असी चीज़ां वापस करिए असी तो वजीर सी घड़ियां वापस करिए मुल्क दा लुट्टा होया माल वापस करिए ये भी गल साढ़े वास्ते मीनारे नूट बना के हज़रत अबू मूसा आशरी बाबा जी फरमाते सन हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों हज़रत उमर फारूक ने आके ना जाओ बकरियां चराओ आपने ना उत्ते खड़ो के थोड़ी जी एवं झिझक महसूस की ना भी मैं हुण बकरियां चरावां एक गल एवें आई ना साढ़े वास्ते ही सी। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया जाओ जाओ बकरियां चढ़ाओ तुहाडे प्यो दादे भी बकरियां ही चढ़ाते रहन एक गवर्नर तुसी हजूर की वजह तू बने हो ये इज्जत तुहानू हजूर की वजह तू मिली ए तोहफे हजूर की वजह तू मिलते सन जाओ बकरियां चढ़ाओ तुहाडे प्यो दादे भी यही बकरियां चढ़ाते रहन। हज़रत अबू मूसा आशरी बकरियां लैके चले गए कई अरसा गुजर गया अरसे बाद हज़रत उमर फारूक ने चक्कर लाया जाके वेखावा जंगल की हालात हैं गया तो हज़रत अबू मूसा आशरी टेक ला के दरख्त नाल बैठे हुए सन बकरियां चर रही सन। हज़रत उमर फारूक ने जाके गल बड़ी की हज़रत अबू ने फारूक ने जाके हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह तआला ने पता की गल की थी उन्हें फरमाया जनाब दसो हुण कोई तानू तोहफे देन नहीं आंदा दसो हुण कोई तानू तोहफे देन नहीं आंदा। आपने फरमाया जनाब मैनू गल समझ आ गई है।